पंजाब स्टेट ई गवर्नेंस सोसाइटी है, इसने बीटेक और एमबीएस के लिए वैकेंसीज निकाली हैं और डिटेल्स इसकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट हैं सारी, और शुरू में ये 2 साल के लिए हैं और आपकी एवेल्युएशन के बाद और जरूरत के हिसाब से इनको रिन्यू किया जा सकता है। सीनियर सिस्टम मैनेजर की पोस्ट है, 1,25,000 सैलरी, सीनियर मैनेजर 85,000 सैलरी पर मंथ, और असिस्टेंट मैनेजर 55,000 और टेक्निकल असिस्टेंट 33,000। तो जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आईटी कैडर पोस्ट वाइड एडवर्टाइजमेंट डेटेड 2 फरवरी 20 और डेटेड एन इन रिस्पॉन्स टू 2,832 एप्लीकेशंस वर शॉर्टलिस्टेड ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड अगेन 324 पोस्ट वर एडवर्टाइज, ओनली 3 कैंडिडेट्स क्लियर द टेस्ट एंड नाउ दे हैव बीन अगेन एडवर्टाइज। तो नाउ लेट मी गिव यू द नंबर ऑफ पोस्ट। सीनियर सिस्टम मैनेजर 2 पोस्ट, सिस्टम मैनेजर 19 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर 57 पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट 244 पोस्ट एंड टोटल वैकेंसीज आर 322। दीज वैकेंसीज वर ऑलरेडी एडवर्टाइज, इनको पहले भी एडवर्टाइज किया गया था, लेकिन जो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाए इसलिए इनको दोबारा एडवर्टाइज किया जा रहा है। और अब इसके बारे में जो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार बता देना चाहता हूँ, एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास जो सीनियर सिस्टम मैनेजर है इनकी, तो जो एज है 18 इयर्स टू 37 इयर्स एंड मस्ट पजेस द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। सीनियर सिस्टम मैनेजर जो SSM है हमारे पास, इनके पास BE BTech की डिग्री होनी चाहिए, और जो डिग्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंसेस एंड MBA, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स होने चाहिए और 9 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। और दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ इन्होंने MBA किया हो, और ये BTech के साथ भी MBA की कंडीशन है। मिनिमम 50% मार्क्स एंड शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 11 इयर्स। तो सिस्टम मैनेजर के लिए BE BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद MBA विद 50% मिनिमम मार्क्स एंड 4 इयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इफ यू हैव गॉट MCA MCA एंड MBA देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 6 इयर्स। और इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट, दिस इज असिस्टेंट मैनेजर BE BTech विद MBA 50% मिनिमम मार्क्स और MCA MBA विद 50% मार्क्स एंड शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स। इसी तरह से टेक्निकल असिस्टेंट है, BE BTech के क्वालिफिकेशन चाहिए विदाउट MBA, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड देन MCA विद 50% मार्क्स एंड शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स। तो एक एडिशनली पंजाबी लैंग्वेज मैट्रिक स्टैंडर्ड तक पढ़ी होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये 2 आवर्स का एग्जाम होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 है और 80% इसकी वेटेज है, और इसके बाद इंटरव्यू की 20% वेटेज है। तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसकी जो इसका रिटन टेस्ट ही होगा और इसकी इंटरव्यू नहीं होगी, और बाकी सभी की जो इंटरव्यूज होगी एग्जाम सेंटर जो चंडीगढ़ या SAS नगर में मिलेंगे, बाकी इतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। एज रिलैक्सेशन BC और SC के लिए 5 ईयर है, हैंडीकैप के लिए 10 ईयर है, और जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है प्लीज मैं आपको ये शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपने देख लेना।
और कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मेरे पास इसकी नहीं है। ये हमारे पास सिलेबस है, 60% ऑफ टेक्निकल कंप्राइजिंग, जो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजिंग बेसिक प्रोग्राम सॉल्यूशन, आर्किटेक्चर, नेटवर्किंग, क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, LMS, ऑफिस के बारे में नॉलेज चाहिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज ये भी है, और उसके बाद इन्होंने प्रोसेस डिटेल में दे रखा है।